रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारियों का परिवार बेघर होने की कगार पर आ गया है। जिस आई टाइप भवन में ये परिवार रह रहा था वो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जर्जर हुए मकानों को खाली करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद ये कर्मचारी आवास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने जल्द ही इनके लिए दूसरी जगह पर आवास की व्यवस्था करने की बात कही है। आपको बता दें कि रीवा के श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी के 29 कर्मचारियों का परिवार पिछले काफी समय से पुराने टीवी वार्ड के पास बने आई टाइप के भवन में रह रहा था। यहां पर कुल 48 मकान बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों के 29 परिवार ही यहां रह रहे हैं और कुछ कर्मचारियों ने मकान अलाट कराकर उसको किराए से दे रखा है। जिन मकानों में ये कर्मचारी रह रहे हैं ये काफी पुराना बना हुआ है, जिसकी हालत काफी दयनीय है और ये काफी जर्जर हालत में है, जिसमें कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। जिसको देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को मकान खाली करने का आदेश जारी किया है। इनमें से कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास किराए का मकान लेने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में कुछ कर्मचारियों के परिवार गांव चले गए हैं और कुछ भवन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मंगलवार को ये कर्मचारी सरकारी आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर कॉलेज के डीन से मिले और जल्द ही आवास दिलाए जाने की मांग की है। डीन का पत्र जारी होने के बाद आधे परिवार भवन खाली कर गांव चले गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास सरकारी आवास के अलावा कुछ भी नहीं है। उन कर्मचारियों के सामने जरूर ये संकट आ खड़ा हुआ है। ये कर्मचारी बाहर किराए का मकान लेकर रहने में सक्षम नहीं है। ऐसे में वो अब पूरी तरह से अधिकारियों पर निर्भर हैं। हालांकि कॉलेज के डीन ने इन कर्मचारियों को जल्द ही सरकारी आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि जल्द ही इस बारे में संभागायुक्त से बात कर इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। आइए सुनते हैं इस संबंध में सुनील कुमार द्विवेदी, कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुरकर से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या समस्या लेकर क्या डीन कॉलेज? हम डीन के पास आए हैं, हमारा कमरा जर्जर हो गया है और बिल्डिंग गिर रही है लगातार। मैंने निवेदन 200 बार कर चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। पूर्व में जो घर बने थे 30 वहाँ पे आपके न्यू डॉक्टर कॉलोनी में, वो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था पहले कि आप लोगों को वो कमरा आवंटन किया जाएगा। फिर इन लोगों ने बाबुओं के चलते हुए, कुछ यहीं के लोग रहते हैं आपके धुविया टंकी के लोग, बहुत कुछ रहते हैं, वो किराया से उचाए हुए हैं, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यही समस्या लेके हमने डीन साहब से मिलने आए थे। कुल 29 कर्मचारी रह रहे हैं वहाँ पे, और लोग भी रहते हैं किराए से। हाँ, भी अवैध रह रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के नाव से इलाट करा के फोर्थ क्लास के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी बाबू स्वतः जहाँ आवंटन करते हैं वो ही रह रहे हैं। आश्वासन ये कहें कि हम जांच करवाएंगे, ऐसा संज्ञान में आएगा तो हम उन लोगों को डिसमेंटल हटाएंगे। और कमिश्नर साहब से बात हुई है और कल को पुनः बुलाया गया हम लोग। अभी के लिए क्या व्यवस्था की है? अभी के कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, वही तो बात है, किसी दिन भी गिर सकता है। आप मिले हैं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला है कि हम कमिश्नर साहब से बात की करेंगे, फिर कल आप लोग पुनः आइए, कल पुनः आइए आप लोग। सुनील कुमार द्विवेदी। अभी हमारे PWD विभाग ने आई टाइप के जो हमारे मेडिकल कॉलेज कैंपस में जो मकान है उनका निरीक्षण किया और उसमें ये पाया है कि ये आई टाइप के 48 मकान रहने लायक नहीं है, रिस्क है उसमें। और हमने उनको रिपेयर कर लिए भी कहा, वो कहते अभी इतने रिपेयरेबल नहीं रहे हैं और कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर है। तो अभी 48 में से 29 परिवार उसमें निवासरत हैं। तो अभी वर्तमान में एक ही हम लोगों को समस्या सामने खड़ी हुई है कि ये इन 29 लोगों को हम इनको कहाँ इनको निवास दें। तो हमारे क्या PTS चौराहे पे भी आए और इस टाइप के मकान बने हैं, पर वर्तमान में सभी फुल हैं। तो अभी हम जो है इस कोशिश में हैं कि हम कमिश्नर साहब से इन लोगों के लिए जो 29 परिवार है इनके लिए कहीं और मेडिकल कॉलेज कैंपस में या मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर के अलावा कहीं अगर उपलब्ध हो तो वो इनको हम दिलवाएं और फिर ये जब उनको मिल जाते हैं फिर हम लोग इनको खाली करें। कुछ अवैध कब्जा भी लोगों ने किया? हाँ, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है कि अवैध तो नहीं है,
वो किसी को इन लोगों ने ही या तो किराए पे दिया है, किस तरह से दिया है ऐसा सुनने में आया है, तो एक कमेटी बना रहे हैं और जिसके द्वारा हम इसका निराकरण करेंगे। फिलहाल अभी इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पर रखें? अभी हम लोग कोशिश में कि कहीं हमको अन्य जगह पर कमिश्नर ऑफिस से या कहीं से हमको आवंटन मिले।